आइए इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लास टेंथ के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलें और किसी एक पदार्थ को बना दें तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। या इस प्रकार इसको लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो भी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो सभी ये दोनों जो है परिभाषाएं सेम है, अच्छी हैं, जिसमें से ये सबसे अच्छी है। वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, तो यहाँ पर इसको जो है याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल इसका है 2Mg+O2, यानी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यहाँ पर 2MgO बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है और सफ़ेद ज्वाला के साथ जलता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O जल, तो ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। इसमें ऊष्मा भी निकलती है, ये बिना बुझा हुआ चूना। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन तो 2HCl बनेगा, H2Cl2 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन यानी कोयले को जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। FeS लोहा प्लस सल्फर, यहाँ पर बनेगा FeS फेरस सल्फेट। यहाँ पर NO 2NO नाइट्रस ऑक्साइड प्लस O2 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Fe2Fe प्लस 3Cl2 2FeCl3 NH3 प्लस HCl NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी आप रिएक्शन देखे हुए हैं वो सभी कैसी हैं, यहाँ पर जो है संयोजन अभिक्रियाओं की हैं। धन्यवाद।